देहरादून पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी सरकार के केंद्रीय बजट को बेहतरीन बताया है। पूर्व मंत्री प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि बजट को जन जन तक पहुंचाना है, जिसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में सभी प्रदेशों में वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट को मूल रूप से गरीबों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कहा कि कोविड काल में दुनिया परेशान थी, फिर भी मोदी सरकार गरीब और आम जनता के साथ खड़ी रही। केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज दे रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए भी बजट में खास ध्यान रखा गया है, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून स्टेशनों को मॉडल स्टेशन बनाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही टैक्स लिमिट को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बाकी 11 करोड़ शौचालय बने, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो तमाम झंझावातों के बावजूद भारत में हाईएस्ट एफडीआई आया, पूंजी निवेश। मैं आपको इसलिए बातें कुछ कहने का अवसर मिला, भारत का फिनटेक मूवमेंट ग्लोबल में वन ऑफ द हाईएस्ट है। इस बजट में मैं आगे उसकी चर्चा करूंगा। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पर ऑट फॉर एग्जम्पशन दिया गया है, क्योंकि कुछ विभागों को मुझे देखने का सौभाग्य मिला, मोदी जी ने अवसर दिया था। सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी 14 में, आज वो 70 मोबाइल फैक्ट्री। आज भारत चीन के बाद दुनिया का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। एप्पल, सैमसंग सब यहाँ बनते हैं, और लगभग 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, जो आगे बढ़कर 30,000 करोड़ होगा। तो ये तमाम परेशानियों के बावजूद भारत की इकोनॉमी का मैनेजमेंट मोदी जी की अगुवाई में किस तरह से आगे हुआ, यह आपको हम बताना चाह रहे थे।